सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल संगी ब्लॉग। और वापस से आ गए और एक अनदर वीडियो लेके। तो सबसे पहले तो आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और आज हम योगा के 3-2 पोस्ट दिखाएंगे। तो फर्स्ट बात तो योगा क्या के लिए काम आता है, मतलब क्यों काम आता है, योगा हम करते क्यों है। सबसे पहले तो जैसे कि आप आए, समझ लो सुबह आप उठे ना, उसके बाद कर लिए कुछ योगा, आपको रिलैक्स मिले, उसके बाद दिमाग में थोड़ा मतलब पढ़ने में आसानी हो गया, मतलब पढ़ने आसानी हो गया ना, पर जैसे कि जल्दी जल्दी दिमाग बूझ गया। सेकेंड, आप जैसे कि जल्दी बुरा नहीं होंगे, मतलब होंगे बुरा तो, लेकिन जल्दी नहीं होंगे। जैसे कि 68 मान लो आप 68 ईयर्स हो गए ना, लेकिन थोड़ा जवान दिखेंगे, क्योंकि आपका अंदर इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि योगा करते रहते हर टाइम ना गाइस। तो आज हम योगा को 3 पोस्ट दिखाएंगे। तो फर्स्ट पोस्ट है ऐसे वाला। फर्स्ट आप लोग को सबसे पहले तो इधर से ऐसी करके पोज ले लेना है, और इधर से एक इधर टच कर लेना है, और ये माथा को जितना हो सके नीचे करना है, जितना हो सके। अगर आप कर सकते हो तो ऐसे करके इधर नहीं छूने का ट्राई कर सकते हो आप, ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल चाहिए तो। मतलब ये तो मैं अलग कर रहा हूँ, इसे अगर जिसे आप करना चाहते हैं तो दीवार तक छूने की कोशिश कीजिए, मतलब लास्ट तक जमीन तक हो गए। हम इधर ऐसे छूते हैं कि ये नी में छूने की कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, हमें भी इतना अच्छा नहीं आता लेकिन ट्राई करना है। आप लोग को भी योगा ट्राई करना चाहिए हर टाइम। 1, 2, 3, 4। और इसमें फर्स्ट बात है कि इसे हमें एकदम सीधा रखने पाव को, जैसे कि और हाथ को भी एकदम सीधा रखने की कोशिश, और हाथ के बीच से घुसा देना ऐसे गाइस। तो सेकेंड योगा ऐसे होगा कुछ इस तरह, और हाथ को ऐसे रखना है, पाव को मैं ऐसे रख रहा हूँ, लेकिन पाव असली ऐसे है गाइस, ऐसे रख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं सक रहे हो तो नॉर्मली ऐसे भी रख सकते हो, आपका आपका मर्जी है। आप अगर नहीं सक रहे तो ऐसे भी रख सकते हो, और से असली स्टेप इधर पाव रख के इधर से घुसा के इधर ऐसे रख सकते हैं। तो आप गाइस असली स्टेप ऐसे हो क्या, हम असली स्टेप को ट्राई करेंगे। लंबा सांस लेना है, उसके बाद एकदम रिलैक्स होके छोड़ देना है सांस को, मुँह से छोड़ना है, नाक से लेना है, और ये बॉडी को भी स्ट्रेट रखना है एकदम। तो गाइस से नेक्स्ट में भी पाव को ऐसे ही रखना है, उसके बाद आपको एक हाथ को तो ऐसे ही रखना है, दूसरा हाथ को ये हाथ को पोजीशन देना है, उसके इधर से एक लेना है हाथ को, एम में दबा लेना है, और साथ लंबा लेना है, इसलिए बदन को सीधा रखना है, उसके इधर से हाथ को रोक के इसको खुल के सेम है। सब कंफर्ट चेंज करें, इसे थोड़ा ज्यादा कर दिया गाइस। तो इसे हम इधर एकदम सीधा, और अगर आप लोग को दर्द दे रहा है तो आप एक चीज कर सकते हो, इधर से पाव को ऐसे उठा के ऐसे घुमा सकते हो, और आपको पाव दर्द देता है इसमें ऐसे कर समय, जैसे कि ये कर समय ऐसे रखते समय ना गाइस, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया था। तो गाइस और लास्ट ये ट्रिक है और पोज है जो आप ट्राई कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया पोज है और ये मुझे पसंद भी आता है। ये बाबा रामदेव भी सबसे बड़े बड़े ट्रेनर भी करते हैं। 1, 2, 3 इधर से करेंगे 1, 2, 3 योला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये आप क्यों करते हो जानते हो, जैसे कि आप ये कर रहे हो, समझ लो ना, मान लो आप ये कर रहे हो और ये करते समय आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, तो इसमें आप बैलेंस करने के लिए पहले ट्राई करो ना गाइस, तो आपका बैलेंस बन जाएगा, योगा भी हो जाएगा, और आपको ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिलेगा, पावर। और हाथ में पावर लगा रहे ऐसे करते गिर रहे ना गाइस, देख लो गिर रहे ना गाइस, तो आपको हाथ में ऐसे ये पावर लगाना है, ऐसे करके तो कमर को पकड़ के इसमें बैलेंस बनाए रखना है। तो गाइस अभी मेरा दीदी आएंगे, तो दीदी को आप लोग, दीदी भी 3 स्टेप, मैंने 4 पोस्ट दी थी, अभी दीदी 3 पोस्ट देंगे। तो गाइस अभी थोड़ा सा रुकिए, मैं दीदी आएंगे। सॉरी गाइस, एक पोस्ट रह गया था, तो ये तो और भी मतलब आप लोग का बैलेंस करने और भी वो रखेगा, बैलेंस करने में और भी शक्ति लगेगा। तो गाइस
तब से पहले आपको पाँव को ऐसे रखना है ना अगर अगर गलती से भी मतलब ऐसे रख दोगे ना गया तो थोड़ा सा उठा दोगे यार ऐसे होके बैन नहीं होगा ना आपको बैन नहीं होगा। उसके सेकेंड हाथ को नहीं हाथ को सॉरी मत्था को इधर रखना है हाथ को इधर ये आपको हाथ को थोड़ा आगे रखना है ताकि जी आप छोड़ दोगे गिर होगा गाइस तो आगे से आपको पीछे खेलना है और पीछे से आपको आगे खेलना है तो आप बैलेंस बनाए रखोगे। जैसे देखो मैं छोड़ रहा हूँ तो आगे जाइए जाना है ना गाइस तो आगे से पीछे पीछे से आगे जैसे ऐसे पीछे आगे इससे पीछे तो गाइस उसके सीधा रखने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेलो गाइस माय नेम इज दावा देवगर एंड आई एम संगीत सिस्टर। सो सबसे पहले आपको बोलना चाहते हैं कि हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे एंड आपको मैं 3 बेनिफिट बताऊंगी योगा का। योगा करने से आपको शरीर अच्छी रहती है और आपकी फेस ग्लो रहती है आपकी फेस में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। सो आपको मैं 3 आसन करके बताऊंगी 3 योगा आसन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको उठ लेना है और आपको वार्म अप फास्ट करना है। वार्म अप के लिए सबसे पहले आपको धीरे 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 करना है योगा को फर्स्ट फर्स्ट नहीं करना है। आपको ऐसे ही उठा लेना है फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर आपका हाथ जोड़ना है फिर आप हाथ ऐसे घुमाएंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे करके उठेंगे तो फिर आपको उसको 5 सेकेंड तक रखना है 1 2 3 4 5 धीरे धीरे नीचे लगाओ ऐसे। सो गाइस ये है मेरा फर्स्ट आसन। तो मैं सेकेंड आसन के लिए थोड़े से सपोर्ट दूंगी। सबसे पहले आपको सो ये है सेकेंड आसन। इसको सीखने में आपको थोड़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन भी ऐसे और ऐसे करके आपको कम से कम तो 5 सेकेंड होल्ड करके रखना है 1 2 3 4 5। सो इसको सीखने के लिए जरूर आपको टाइम लग सकता है पर आप इसको करिए आपकी थाई की पूरी फैट धीरे धीरे बर्निंग हो जाएगी। तो उसके बाद सेकेंड थर्ड आसन कर लेंगे। तो ये आपको धीरे धीरे आना है पैर को इसको भी सीखने के लिए आपको थोड़े से टाइम लगेगा लेकिन भी कर लेना सीख के। सो इसको भी 5 सेकेंड जैसे भी होल्ड करना 1 2 3 4 5 धीरे धीरे आना धीरे धीरे ये पॉज में भी आना सीखना फिर मैं भी इसको नहीं सीखती तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। सो गाइस इतना ही था तो फिर से बोलती हूँ कि हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। बाय। सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू संगे ब्लॉग्स। बाय।